आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन यूनिट ट्रिक, एक बार हटा के एक बार सटा के। ये गजब ट्रिक है। 11 से गुना करने का, किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का यही ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग गुना करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो पहला नंबर मैंने ले लिया 35 को पहले हटा के लिख दिया, उसके बाद 35 के सटा के, सटा के मतलब जोड़ के, 35 को हम 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 34 को 11 से गुना करना है, तो 34 को एक बार हटा के लिख दिया 34। उसके बाद 3 और 4 को हम जब जोड़ देंगे तब 7 हो जाएगा। उसके बाद यह है 71, तो 7 और 1 को हमने हटा के लिख दिया, उसके बाद उसी को हम सटा के लिख दिया, क्या होगा 8। उसके बाद 4 और 3, ये 4 और 3 का हमने क्या कर दिया, हटा के लिख दिया, उसके बाद सटा के लिख दिया, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा पहला टाइप है। तो पहला टाइप में ये जो दोनों अंकों का जुग है ना, ये दोनों अंकों का जुगफल 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, नहीं तो ट्रिक फेल हो जाएगा। अब जिस भी संख्या को 9 से ज़्यादा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम बताएंगे। उसके बाद जो नंबर है उसका है 24, तो 24 को हम हटा के लिख दिया, और फिर 2 और 4 को सटा के लिख दिया, 2 और 4 सटा के मतलब जोड़ के हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 6 और 2 को इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, 6 और 2 को सटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद टाइप नंबर टू में देखिए, पहला जो मैंने टाइप नंबर 1 किया है तो उसे 2 अंकों का जुगफल हम 9 से छोटा है, मतलब 6 और 2 को हम जब ऐड करेंगे तो 8 हुआ, मतलब 9 से छोटा हुआ। 2 और 4 को जोड़ दिया तो 6 हुआ, मतलब 9 से छोटा हुआ। अभी हम लोग टाइप 2 करते हैं, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 मतलब 9 से ज़्यादा हुआ। अभी हम देखते हैं 9 से ज़्यादा वाला संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं यही ट्रिक से। तो इसमें जो नंबर है उसी है 8 और 4, तो 8 और 4 को हमने क्या कर दिया, हटा के लिख दिया, उसके बाद 8 और 4 को जो सटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 नहीं लिखना है, 12 के 2 ही लिखना है, और 1 कैरी हो जाएगा, ये 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 9, वो होगी आंसर। ये 78 है, 78 को हमने क्या किया, हटा के लिख दिया, उसके बाद 78 को हम जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 8 क्या हो जाएगा 15, 15 के 15 नहीं लिखना है, 15 के सिर्फ 5 ही लिखना है, हासिल वाला 1 उधर चला जाएगा, तो 7 और 8 1 क्या हो जाएगा 8। उसके बाद 94 को हम कैसे करेंगे, 94 को हमने हटा के लिख दिया तो भाई लिख दिया, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, 13 के 13 नहीं लिखना है, 13 के 3 ही लिखना है, ये आपको याद रखना चाहिए, और ये जो हासिल वाला 1 है ना वह इस 9 में जुड़ जाएगा, तो 9 में जुड़ जाएगा तो 9 और 1 कितना क्या हो जाएगा 10। तो चलिए अगला सवाल 48, तो 48 को हम लोग कैसे करेंगे, 48 को 11 से गुणा करने का यही ट्रिक है, एक बार हटा के एक बार सटा के, क्या गजब का ट्रिक है। ये 48 को हमने क्या कर दिया, हटा के लिख दिया, उसके बाद ये 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 का 2 ही लिखना है, और हासिल वाला 1 4 में जूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 56 को ही उसी तरीके से 5 और 6 को हटा के लिख दिया, और 5 और 11 के 1 ही लिखना है, और ये जो 5 है ना उसमें 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये हो गया हमारा आंसर। अभी टाइप 3 है, टाइप 3 में 3 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों या उसमें भी ज़्यादा संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीका से हम करेंगे। तो इसमें क्या ठीक है, उसमें एक बार हटा के और 2 बार सटा के, तो देख लेते हैं कैसे हम छटाएंगे। ये 3 और 4 का हमने हटा के लिख दिया, लिख दिया तो लिख दिया, ठीक नहीं बोला लिख दिया,
अब सटाएंगे, अब पाँच और चार को पहले हम सटा के लिखना है, पाँच और चार, पाँच और चार कितना हो जाएगा, नाइन हो गया। उसके बाद तीन और पाँच, ये जो तीन और पाँच हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तीन और पाँच जोड़ देंगे तो आठ हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई। अगर ऐसे गुना करने का अब सेकेंडों का खेल है, 425, 425 के चार और पाँच ये हमने हटा के लिख दिया, ये दो और पाँच, दो और पाँच का हम सटाएंगे तो क्या होगा, सात, और चार और दो, चार और दो कितना हो जाएगा, छः, हो गया मल्टीप्लाई। मज़ा आ रहा है ना, अगर मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर देना वीडियो में। छः पाँच चार को 11 से गुना करना है, छः और चार का हमने क्या कर दिया, हटा के लिख दिया। उसके बाद पाँच और चार, पाँच और चार कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ हो गया। अब छः और पाँच, छः और प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, ग्यारह, लेकिन ग्यारह से एक एक ही लिखना है, और हासिल वाला एक छः में जुड़ जाएगा एक, तो क्या हो जाएगा, सात। अभी देखिए चार संख्या वाला, चार डिजिट संख्या है, चार डिजिट, पाँच डिजिट, छः डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हटा के और सटा के लिखना है तो आंसर हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग सटा के लिख देंगे, तो ये 9314, 9314 को नौ और चार, ये जो नौ और चार है ना, उसको हमने सटा हटा के लिख दिया। उसके बाद एक और चार, एक और चार हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा पाँच। उसके बाद तीन और एक, ये जो तीन और एक है ना, उसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चार। उसके नौ और तीन, नौ और तीन क्या हो जाएगा, बारह, बारह को बारह नहीं लिखना है, बारह को दो ही लिखना है, और एक हासिल वाला एक नौ में जुड़ जाएगा, तो नौ में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दस। ये हो गया मल्टीप्लाई, कितना बड़ा मल्टीप्लाई सेकेंडों में हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह गुना बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला करते हैं, 8724, 8724 को आठ और चार का हमने हटा के लिख दिया। उसके बाद दो और चार, ये जो दो और चार है ना, दो और चार का हम सटा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सौ। और सात और दो, सात और दो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन। उसके बाद आठ और सात, आठ और सात प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंद्रह, पंद्रह के पंद्रह नहीं लिखना है, आठ ही, पाँच ही लिखना है, पंद्रह के पाँच, और हासिल वाला एक इधर कैरी हो जाएगा तो आठ और एक क्या हो जाएगा, नौ। तो अभी आपको 9211, उसी को आप इसी ट्रिक से गुना करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो अगला वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ नया ट्रिक के साथ। धन्यवाद।